अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तहरीक इंसाफ के जलसों में हमने देखा है हमेशा कि दीगर ममालिक से भी लोग आते हैं। आज गुजरांवाला के जलसे में भी एक ऐसी खातून ने शिरकत की जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, और सिर्फ गुजरांवाला में इस जलसे के लिए फातिमा श्रीलंका से यहाँ पर आई हैं। ये माहौल को कैसा देख रही हैं, क्यों आई हैं श्रीलंका में और पाकिस्तान में क्या तब्दीली देखती हैं, ये इनसे जानते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप वैसे किसी काम से या टूर में पाकिस्तान आई थी या स्पेशल जलसे के लिए? नहीं, इमरान खान का प्रॉब्लम चल रहे है, हम हेल्प करना चाहिए उन श्रीलंका में जो तब प्रॉब्लम हो रही थी, कोरोना का प्रॉब्लम में हमारा मुसलमान को जला रही थी, इमरान खान ने आवाज़ उठाया। इसलिए मैं सारा ये मुसलमान का ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्यों ये गलत हाथ पे ना दे, ये हमारा हिम्मत है, इमरान खान हिम्मत है। पिछले रमजान में हम दुआ करते थे इमरान खान आए हमारा मैयत को ये जलाने से बचाएं, इस तरह का। इसलिए हम ये चाहते हैं ये आवाम पूरा इमरान खान का ले, फिर हम भी हमारा भी हिम्मत बढ़ते। हम थोड़ा सा मुसलमान रहते हैं श्रीलंका में, हम इनको हिम्मत समझते हैं हमारा, इसलिए हम चाहते हैं ये इमरान खान प्रेसिडेंट बने। आप क्या समझती हैं कि इमरान खान से कितनी उम्मीदें हैं कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो श्रीलंका में बसते हैं उनकी कितनी उम्मीदें हैं यहाँ? सारा पूरा दुनिया में जो कोई भी मुसलमान है इमरान खान को पसंद करेंगे। हमको ये नहीं पता शहबाज शरीफ कौन है, मरियम नमाज कौन है, ये जो है दूसरे कौन कौन है, दुनिया का किसी को नहीं पता। इमरान खान एक इंसान है, उनको ऐसा समझा जाता है जो कैसे जो सदाम हुसैन है। हमको हिम्मत बनते हैं इमरान खान का नाम लेने के टाइम। ये बातें वहाँ श्रीलंका में भी होती हैं कि खान साहब को हटा दिया? वैसा नहीं है, श्रीलंका में प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमने जलसा कर रहे हैं, देखो उनको मारने आया तो फिर पूरा आवाम मिलके मार के भगा दिया प्रेसिडेंट को। इधर तो ऐसा नहीं हो रहा, उधर इधर उल्टा हो रही है। आवाम इमरान खान का साथ है तो पार्लियामेंट का अंदर पूरा चोर घुसा हुआ है। आपने ये भी देखा होगा पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ, श्रीलंका में भी हुआ कि जब वो रिजीम गई तो लोगों ने खुशियां मनाई, पाकिस्तान में इसके उलट हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहे हैं इधर। पता क्यों? श्रीलंका में ना वो पार्लियामेंट पूरा ना ऑपोजिट है, तो आवाम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उधर पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट उधर श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि आवाम सपोर्ट नहीं है। इधर अवाम इमरान खान को सपोर्ट है, पार्लियामेंट चोर बनी हुई है सर। इमरान खान के कौन से ऐसे काम हैं जो श्रीलंका में आप वहाँ से देख रहे थे, आप पसंद कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, ये काम बड़े अच्छे किए, वो कौन से काम हैं? देखो हमारा श्रीलंका से 400 बच्चे इधर आई हुई है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, क्यों उन्होंने किया? ये पाकिस्तान को पहले मुल्क कहा जाते थे, ये भी लोग जानने लग गया, अच्छा समझने लग गया, टूरिस्ट आने लग गया, पाकिस्तान का इज्जत मिल रही है। पहले तो हम आता तो पासपोर्ट को पाड़ने के दिल कर रहे, क्यों हमारा बाहर का वीसा नहीं लगते थे, ये भी माशाल्लाह पाकिस्तान को आना दिल करते हैं, सारा आना चाहते हैं, सिर्फ इमरान खान का वजह से है। अभी आप जब वापस जाएंगे श्रीलंका, श्रीलंकन लोगों को और जो वहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उन्हें क्या बताएंगी? हम इंशाल्लाह मैं तब तक वेट करूंगी इमरान खान का हुकूमत बने, तब जाके बताऊंगी। हाँ जी, आप यही रहेंगी तब तक? हाँ जी इंशाल्लाह, हर जलसे पे जाएंगे। अच्छा, तो तब तक नहीं जाएंगे जब तक खान साहब दोबारा नहीं आते? नहीं आते, सही बात है। ये बड़ी एक्साइटमेंट है और पीछे से तालियां भी बजी हैं, यहाँ जितनी भी खवातीन थी कि जब ये वापस जाएंगी तो वहाँ बताएंगी तो सही, लेकिन तब वापस जाएंगी जब खान साहब की रिजीम वापस आती है, इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद जिस तरह से ये सारे लोग कहते हैं कि दो तहाई अक्सरियत लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि दो तहाई अक्सरियत मिलती है नहीं, लेकिन श्रीलंका तक खान साहब का पैगाम पहुंच गया। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन की इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे, अल्लाह निगेबान। रोजाना की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। Subscribe and ring the bell for daily news and follow us at Pakwatan YT on Instagram, Twitter and TikTok.